नमस्कार दोस्तों दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूजफुल स्किल्स में से एक है और हम सब लोग इस बात को मानते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस को समझते भी हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को तवज्जो देते हैं, यानी सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सरसाइज करते हैं। पहले तो हम सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे हम हमारी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। देखो, एक कॉमन धारणा यानी कॉमन बिलीफ ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप की तरफ कठोर होना, यानी कठोर लाइफ व्यतीत करना, लाइफ चॉइसेस को लिमिट करना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये कतई नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना, ताकि इसके लिए आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिल सके लास्ट में, बाद में। मतलब सेल्फ कंट्रोल, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपका एग्जाम है कल, लेकिन आपका मन ये कर रहा है कि कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखने का, टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आप अपने इस बिहेवियर पे कंट्रोल करते हो, आप ढिंचक पूजा या फिर दूसरी वीडियोस को नहीं देखते हो, तो इसका मतलब आप सेल्फ डिसिप्लिन को एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है अभी समय नहीं है वीडियोस देखने का। एग्जाम होने के बाद बहुत सारा समय मिलेगा वीडियोस देखने का, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो और एग्जाम से एक दिन पहले वीडियोस देखने लगते हो, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को ला सकते हो, ताकि आप पढ़ने के वक्त पढ़ सको और एंजॉय करने के वक्त एंजॉय कर सको। इससे लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए सबसे पहला स्टेप आप उठा सकते हो, बिकम अकाउंटेबल टू अदर्स। देखो, एक फेमस कहावत है, बिग अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स बिग सक्सेस। हम सब सोशल क्रिएचर्स हैं, सबको लव चाहिए दूसरों से, सबको रिस्पेक्ट चाहिए दूसरों से। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हम सब डेली डिस्कशंस करते हैं, और डेली हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है आपके प्रति। अगर मेरी आपके प्रति अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो शायद बीच में एक या दो दिनों के लिए हम डिस्कशन बंद कर दें। लेकिन अगर हेल्थ खराब होती है तो भी मैं डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि मेरी अकाउंटेबिलिटी है आपके प्रति। वैसे तो हर साल 15 अगस्त का जो दिन है, हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से हम डेली डिस्कशन कर पाते हैं। अगर आप भी किसी दूसरे पर्सन को बोलो कि देखो, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक वीक के अंदर अंदर लक्ष्मीकांत को जरूर कंप्लीट करूंगा। अब आपने ये बात बोल दी है किसी दूसरे पर्सन को, तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि मैं लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करूं, अदरवाइज आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया है किसी दूसरे पर्सन को। आप अपनी बात के लिए दूसरे पर्सन के प्रति अकाउंटेबल हो गए हो, तो इस प्रकार से आप अकाउंटेबल हो सकते हो दूसरे पर्सन के प्रति। अगर आप ऐसा करते हो, तो ज्यादा संभावना है कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करोगे, आप अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लेके आओगे। क्योंकि आपको पता है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी। लोगों को ये लगेगा कि बस ये बंदा बोलता बोलता है, करता कुछ नहीं है, जो कि आप कभी भी नहीं चाहोगे। दूसरी चीज जो आप फॉलो कर सकते हो अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए, वो ये है कि अपने गोल के बारे में डायरी में कई बार लिखिए एक दिन में। फॉर एग्जाम्पल, आप IAS बनना चाहते हो, तो काफी बार एक दिन में काफी बार IAS लिखिए आप। इससे क्या होता है, एक बर्निंग डिजायर क्रिएट होगी आपके माइंड में, आपका गोल एक प्रकार से छप जाएगा, इम्प्रिंट हो जाएगा सबकॉन्शियस डिजायर पे। आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आपको पता है क्या करना है। जब भी आप कुछ और चीज करोगे, आपके अंदर गिल्ट महसूस होगा, क्योंकि आपको पता है आपका एम है क्या। क्या आप अपने एम से डाइवर्ट हो रहे हो, क्या अपने एम से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। हर समय आप अवेयर रहोगे इन चीजों के बारे में, तो आप उन चीजों पे फोकस कर सकोगे जो आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप आप उठा सकते हो सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए, वो है मेक इनवायलेबल अपॉइंटमेंट्स विद योरसेल्फ। इनवायलेबल का मतलब क्या है, आपने डिसाइड कर लिया कि डेली शाम को 6 बजे आपकी अपॉइंटमेंट होगी अपने आप से। आप अपने आप से बात कीजिए, जो कुछ आपने डिसाइड किया है, जो कुछ आपके छोटे छोटे टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को पूरा करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं, आप अपने आप को जवाब दीजिए। ये एक प्रकार का सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। अगर देखो आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो, तो इससे एक सेल्फ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपका अपने आप के ऊपर। सेल्फ ट्रस्ट लेके आता है सेल्फ एस्टीम या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट। और देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रोकेगी, आपके माइंड को रोकेगी डाइवर्ट होने से। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको फोर्स करेगी कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल करो, क्योंकि देखो आपकी अपने प्रति रिस्पेक्ट है काफी ज्यादा।
आपको अच्छी तरह से पता है, अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो आपकी अपने प्रति जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी और आप ऐसा नहीं होने दोगे। इसलिए आप अपने बिहेवियर को जरूर कंट्रोल करोगे, आप फोकस करोगे। तो ये भी एक तरीका है सेल्फ डिसिप्लिन लाने का। इसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए नेक्स्ट स्टेप है डू वन हार्ड थिंग डेली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि डेली एक ऐसी चीज आप जरूर करो जो आपको हार्ड लगती है। इससे क्या होगा? इससे मोमेंटम बिल्ड होगा। और आप एक रात पहले ही सोच लें, यानी कल आपको जो हार्ड चीज करनी है उसके बारे में आज आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि कल मैं ये मुश्किल चीज करूंगा और कैसे करूंगा, कहां करूंगा, कब करूंगा, उन सब चीजों को आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको साइंस एंड टेक मुश्किल लगता है और साइंस एंड टेक पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब भी आप साइंस एंड टेक पढ़ने की कोशिश करते हो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, तो आप एक दिन पहले से डिसाइड कर लीजिए मैं साइंस एंड टेक का ये चैप्टर करूंगा किसी भी कीमत पे। और आखिर में ऐसा आप करते भी हो, यानी साइंस एंड टेक के प्री डिसाइडेड चैप्टर को पढ़ते भी हो, तो इससे क्या होता होगा? इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे मोमेंटम क्रिएट होगा। अगले दिन आपने एक और मुश्किल चीज करने की ठानी। चाय पे चर्चा के दौरान काफी टाइम वेस्ट होता है आपका दोस्तों से कन्वर्सेशन में, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि देखो उस दौरान मैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता, ये मेरे लिए मुश्किल चीज है। लेकिन आपने एक दिन पहले से डिसाइड कर लिया, क्योंकि आप डेली एक मुश्किल चीज को कर रहे हो। कल की मुश्किल चीज ये है कि आप अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। तो इस प्रकार डेली आप एक एक चीज मुश्किल चीज करते जाओगे तो इससे मोमेंटम क्रिएट होगा, इससे सेल्फ डिसिप्लिन आएगा, इससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। और सबसे लास्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो आप उठा सकते हो अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपकी लाइफ में फोकस इंक्रीज होता है, अटेंशन इंक्रीज होती है और काम करने की जो एबिलिटी है वो भी बूस्ट होती है। जिस प्रकार से देखो अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए आप जिम में जाते हो, उसी प्रकार से आप मेडिटेशन कर सकते हो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। मेडिटेशन में क्या होता है? मेडिटेशन में आप ऑब्जर्व करते हो अपने माइंड को। आपका माइंड डाइवर्ट होता है, लेकिन आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो और अपने डाइवर्ट हो रहे माइंड को उसी लोकेशन पे, उसी जगह पे वापस लेके आते हो, यानी फोकस करते हो। तो धीरे धीरे जैसा जितना ज्यादा आप फोकस करोगे, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे, आपकी जो एबिलिटी है फोकस करने की उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। यानी आप ज्यादा बेहतर ढंग से अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, अपनी डिजायर्स को कंट्रोल कर सकोगे। आपकी क्षमता फोकस करने की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप ज्यादा अच्छे से अटेंशन कर सकोगे मेडिटेशन की सहायता से।